हेलो फ्रेंड्स, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और दीदी आई हुई है, आई हुई थी दो दिन से, आज दीदी जा रही हैं। अब दीदी के जाने का टाइम हो रहा है, आज ये चले जाएगी। तो नहा ली, सब उठ गए, जीजा भी बिल्कुल रेडी हैं। अब बस नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ते में बनाने वाली हूँ मैं आलू के पराठे और मूली के पराठे। तो चाय चढ़ा दी मैंने, बस बेटा पराठे तैयार हैं। तो इनको नाश्ता कराते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अब उठ भी जा, बहुत देर हो गई, बिस्तरों में कब तक रहेगा। अभी अभी उठाएगा, ये देखो 11 बज रहे, 11। अब उठाएगा ना, रात भर सोने नहीं दिया इन लोगों ने मुझे। इन लोगों ने, ये इन लोगों में सिर्फ ये है जीजा जी, इतनी खतरनाक ज्यादा पराठे लेते हैं और ये खाते हैं पराठे बिल्कुल नमक तेज। बीपी हाई रहता है तब भी नमक तेज ही खाते हैं। दीदी कपड़े पैक कर रही है, जाने की तैयारी कर रही है, चाय रेडी है। ये पराठा किसका? अरे मैंने बनाया था जीजा जी के लिए। चाय आ गई तो मुंह भी धोना पड़ता है उसके लिए। कौन धोएगा? मेरे पास पुरुष नियम बहुत गरीब है। बस दीदी की ले ले, कली नहीं खरीद के लाई। हम किसी का झूठा उठा नहीं खाते। देखो भाई, हम बहुत सभ्य लोग हैं। अरे सभ्य लोग के चक्कर में चाय गिर गई ना, मैं बताऊंगी। दीदी आ जा, ठंडी हो गई ना चाय, मैं गर्म नहीं खाने वाली बार बार। चल ना ये लो पराठा, पराठे और चाय। चाय की चाय ठंडी हो जाएगी, पराठा आया तो। नाश्ता जा रही है, कालू मामा खाएगा मूली का पराठा है ना। हेलो, मैं ना धो लिया गाइस, झूठा है गाइस, नाया भी नहीं है, ड्राई क्लीन कर रही है। सबको खाना खिला दिया, नाश्ता करा दिया, नहीं मूली का भी है, एक मूली का पराठा और एक आलू का पराठा। और ये कर रहे हैं जाने की तैयारी अपनी लड़कियों को, ये हीरोइन बना रही है, सुंदरी बना के लेके जाएगी यहाँ से। तू तो जा रही है, तुझे मौसी की याद नहीं आएगी? जा रही है, तुझे याद नहीं आएगी मौसी की? इग्नोर मार रही है, याद नहीं आएगी तुझे मेरी? बता दे हैं? चल दीदी, ना दिखी, बताई कौन रही को मत लेकर आज, फिर दोबारा आको तो मनी को लगा यहाँ पर, ठीक है? अकेली आऊंगी। हाँ, कनिष्का को लिया जो वहां साथ, तो बहुत खुश रह दिया मेरी। चल दीदी, रोक दे, बहुत देर हो गई इनते ड्रामा करते हुए। जा रहे हैं अब ये लोग, एक दिन और रुक जाते तो मजा आ जाता। यहाँ बसने आए हम तो। बस जाओ, क्या हो गया? पहली बार आया था ये मेरे घर पे, पहली बार रुका था, सॉरी आया था, बहुत बार है, पहली बार रुका था, वो भी इसलिए क्योंकि बड़ी दीदी आ गई थी, इसलिए फाइनली कालू मामा के पास दिया चाहिए। देखो और इसका फेस देखो गाइस, दिखा दे मेरा बस। मेरे बाबू, ये कौन है, ये कौन है? आ जा, ले लो भैया, ले लो। आ जाओ आ जाओ, सारे नीचे चलते हैं। पकड़ रहा है, ना, ना, इनको देखो, धीरे धीरे उतरो सारे, जा रहे हैं। मेरा मन नहीं लगेगा इतनी ज्यादा मस्ती की, बच्चों का ही मन लग गया था, और अब नन्नू का ड्रामा शुरू हो गया। नन्नू जी, या देख ये टाई लगा के कहाँ जा रहा है तू? ये देख तो टाई लगा के कहाँ जा रहा है? हिटलर जी दादी भाग गए, हिटलर जी भाग गए। ओई चल, किधर से चला करू? दो 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 दो, मुझे तो सवारी मिल रही है। तू पैदल जा रहे, तुम्हारा मन लग गया। दो दो भाग गई, मैं लाडू लाडू हूँ। तू, तेरी मम्मी नहीं रोक, तेरी मम्मी तो मान रही, तेरे पापा हिटलर है, तेरे पापा ना मान रही है। जीजा जी ठीक है, रोक रही हूँ मैं दीदी को, ठीक है? बोलते रहो, आपके कौन सुन रहा है? अच्छा। अब जा रहे हैं, काल मामा जा रहा है अमित के साथ, और खुशी और ये सब जाएंगे अलग अपने घर। बाय कर, बाय। मामा जा रहे हैं, खुश हो जा,
मामा जा रहे बेटा खुश हो जा। बब्बू को भी लेके जाओ। आजा फिर नहीं बब्बू तुम कहाँ जा रहे हो? चलो चल ठीक है जाओ बाय कालू। हाँ ठीक है चल निकल ऊपर। तो मैं लड़की को रुला मत। अब दीदी जा चुकी है गाइस, बिल्कुल खाली हो गया घर और घर का हाल देखो कितना गंदा हो गया। बस अभी सफाई करनी रह गई है, अब हम सफाई करने जा रहे हैं। और आपसे एक बात बोली थी ना गाइस, देखिए अब मैं देखिए गाइस मैंने आपसे एक बात बोला था ना कि धक्के खा रही होगी, दो दिन का शौक है ये देखो बॉक्स का धक्के खा रही है। देखिए दो दिन बस इनके इसके लिए अच्छा था ये बॉक्स, इसमें जान बस रही थी और अब वो धक्के खा रहा। बेटा अब कहाँ गया इतना क्रेज आपके लिए? तो अच्छा फेंक देगा, पैसे नहीं लगते? लगते हैं। घर का काम जारी है कर रही हूँ धीरे 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 धीरे। मम्मी भी हेल्प करा रही हैं, इधर मशीन भी लगी हुई है। जब कोई आ जाता है ना गाइस तो इतना काम फैल जाता है ना कि बस पूरा दिन खत्म हो जाएगा लेकिन काम नहीं खत्म होएगा। तो मम्मी कर रही है रसोई का काम, मैं करूंगी घर का और कपड़े वगैरह कर रही हूँ। मम्मी सब्जी बना रही है, रसोई साफ हो गई, गैस भी साफ हो गया। हाँ ये तेल बोतल है क्योंकि आज जा रही है मम्मी नाना जी के घर, है ना मम्मी? नाना जी के घर जा रहे हो ना, फिर मम्मी दो तीन दिन आराम से रहकर आएंगी क्योंकि नुनू की छुट्टियां खत्म होने वाली है और भगवान की दया से नुनू अब ठीक भी है। हाँ मम्मी सब्जी बना रही है। सब्जी क्या बनेंगे? हमारे गाजर मटर और आलू। चलो मम्मी अब खाना बनाओ, मैं काम करती हूँ। ये खा रही है, ये बता रही है तू कालू को? ये खा रही है। अच्छा ठीक है, रुक जा मैं करती हूँ कालू को फोन। रुक जा मैं करती हूँ। लग जा। हेलो कालू, अब आएगा कालू मामा। कालू मामा, कालू मामा को बुलाती हूँ मैं। कालू मामा को रुक जा। पापा जी कालू के सामने आवाज नहीं निकल रही और फोन करके बता रही है कालू ये कलर खा रही है, ये बता रही है। हेलो कालू मैं कलर खा गई। देख कालू तू ये कलर बता रही है, तुझे कलर खा रही हूँ मैं। मम्मी रेडी हो रही है जाने के लिए, काम भी हो गया गाइस हमारा सारा। ये पुराना चूल्हा है, बस ये थोड़े से कपड़े सुखाने रह गए, बाकी सारा काम हो गया। ये देखिए सारा हो गया, रसोई भी हो गई, घर काम भी हो गया, सब कुछ हो गया। राम ब्लॉग देख रहे हैं, वहां मम्मी जा रही हैं घर पे। नुनू खाना खा रहा है, दिया ब्लॉग देख रही है और मम्मी रेडी हो गई हैं जाने के लिए। अब जा रहे हैं मम्मी, अब बच्चों को अकेले देखते हैं, संभाल लूंगी वैसे क्योंकि सात्विक अब ठीक है, ट्यूशन व्यूशन ऊपर वाली जो रहती है वो छोड़ के आ जाएंगी। एक बार ऐसे ही मर्दवान को हिला दे कहीं उंगली लग जाए उसके अंदर। कांजी बन गई, हो गई है ना? हाँ अच्छे से बन गई। आज से हम पिएंगे कांजी। बाय बाय। मैं जाऊं? जाऊं? तू रह लेगी मेरे बगैर? उसकी बात तो भैया वही समझ सकते हैं, हम नहीं समझे। नुनू रह लेगा बेटा दादी के बिना? चल झूठा, सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा तो कलेश यही करता है दादी के साथ, लड़ाइयाँ करता रहता है, इसकी लड़ाइयाँ नहीं खत्म होती गाइस। बाय बाय कर दो दादी को, बाय बाय। चलो ठीक है मम्मी। नाना जी का और नाली का भी ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना, ठीक है? चलो दिया रो रही है। दिया की दादी गई, अब दिया मेरे पास अकेला रहेगा? पता नहीं कौन सी भाषा में बात करती है। नुन्नू दादी गई, अब आपका मन लग जाएगा बेटा? तो ये तो वैसे ही बहुत खुश रहता है दादी को भगा के, इसको पता नहीं दादी से क्या बहन है। हाँ जी, और अभी चल जाएगी ना गाइस, देखना कैसे रोएगा दादी के लिए। दादी वैसे गई एक दिन होने दो, रात होगी ना वैसे ही रोएगा दादी मम्मी दादी। तो नुनू खाना है, इसको खाना देते हैं गाइस, आपसे मिलते हैं बाद में। इसको पूरा पैक कर दिया ट्यूशन के लिए, बिल्कुल रेडी कर दिया मैंने इसको, अब ट्यूशन आराम से जा सकता है, ठंड नहीं लगेगी। ठीक है साथी, पहले सीधा हो, लाओ ठीक है। ये साथी की क्या
अच्छे से पैक हो गया, दिखा दे सबको, दिखा दे, पूरा रेडी कर दिया मैंने, अब उसको जा रही हूँ मैं ट्यूशन छोड़ने। ठीक है दिया, चलो मेरे साथ, या फिर ऊपर वाली आंटी है इसकी, वो लेकर जाएंगी। चलो चलते, कांजी बन गई गाइस। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, टेस्ट करके देखते हैं कैसी बनी है। परफेक्ट, बहुत टेस्टी बनी गाइस। नमक मिर्ची सब कुछ परफेक्ट है, खट्टी खट्टी, वाओ। जो लोग मुल्तानी होंगे, पंजाबी होंगे, उनको तो पता होगा ये बहुत टेस्टी बनता है, यम्मी भी होता है, रोटी के साथ खाओ तो बात ही अलग है। छोले बना रही हूँ, तड़का दे दिया, बस तड़का इसमें डाल के 2 सिटी इसमें लगा दूंगी, छोले रेडी हो जाएंगे। दिया के पापा भी आ गए, अभी अभी आए हैं, कितने बज रहे हैं, 10:45 आए हैं। जब मम्मी कहीं जाती हैं, जब तो लेट ही आते हैं। हाँ जी, आज उन्होंने अच्छी अच्छी पढ़ाई करी है भाई, इसकी तो करो। तो गाइस खाना बन चुका है, बच्चों के लिए बना रही हूँ बस रोटी, 2 रोटी बनाऊंगी, चावल रेडी हैं और छोले भी बन गए हैं, और यहाँ गाजर मटर बनाई थी दिन में, तो ये भी खाई लेंगे थोड़ी सी। तो फटाफट से दिया के लिए रोटी सेक लेते हैं। अब हम खाना खा के हो गए हैं बिल्कुल फ्री। मम्मी और दीदी आज के दिन चले गए हैं, घर पूरा खाली कर दिया, तो सात्विक भी टाइम से सो गया, तो मैं भी सो जाती हूँ दिया को लेकर, ये तो घूम रही है पूरे घर में। इस ब्लॉग का एंड यहीं कर लेते हैं गाइस, अगर प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, बाय बाय।